सबसे पहले यदि कोई यहाँ पर मेरे पास पहुँचा था वो संवाद 365 था। जब भ्रष्टाचार की जड़ें इस तरीके से पनप गई तो पूरे पहाड़ खाली हो गए। यदि आपको लगता है कि वास्तव में इसकी भ्रष्टाचार की लड़ाई नैतिकतापूर्ण है, एक रुपया मात्र देकर अपना समर्थन इस आमरण अनशन को देने, तो कौन पुरुष फिर यहाँ सुरक्षित है? कौन पुरुष कभी किसी महिला की सेवा करने उसकी या कहीं सहायता करने के लिए आगे बढ़ेगा? गणेश जोशी से मेरा पहला आग्रह है ये कह दें कि मैं आपका सहयोगी हूँ। देवभूमि में भ्रष्टाचार के खिलाफ देहरादून में 7 से ज्यादा दिनों से आमरण अनशन पर बैठे रानीखेत के दीपक की लड़ाई देवभूमि की महान जनता के सहारे आगे बढ़ रही है। महात्मा गांधी के नाम से बने पार्क की दीवार के सहारे बैठे सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने देवभूमि के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। 1 सितंबर को दीपक जब गांधी पार्क के बाहर अकेले धरने पर बैठे थे तो इस दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से उठाने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ महिलाएं इसके विरोध में पुलिस से भिड़ गई थी। संवाद 365 ने जब यह खबर दिखाई तो प्रदेश के कोने कोने से दीपक के लिए समर्थन सामने आया, जिसके बाद दीपक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। दीपक ने लोगों से उनकी इस मुहिम के लिए उन्हें 1 रुपए दान देने की अपील की है। संवाद 365 एक महत्वपूर्ण चैनल, इसलिए भी इसका धन्यवाद करूंगा क्योंकि सबसे पहले यदि कोई यहाँ पर मेरे पास पहुँचा था वो संवाद 365 था। उस दिन यहाँ पर बहुत डिपार्टमेंट पुलिस जो है फोर्स के साथ पहुँची हुई थी, और जब कुछ महिला हमारी भू कानून से जुड़ी बहनों ने मेरे को जो है उठाने से रोक लिया था उन पुलिस वालों को, तो वो भी आप ही के द्वारा दिखाया गया था, और इस पूरे उसको आपने बड़े उच्च से मुद्दे को जो है एक बेहतरीन तरीके से दिखा के जो है लोगों को सही संदेश पहुंचाने का काम किया था, इसलिए भी मैं आभारी हूं। और दूसरा, हम लोगों की एक साधारण मुहिम में हमने एक अभियान छेड़ा है कि यदि आप वास्तविक रूप से भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आज 7वां दिन मुझे आमरण अनशन का हो गया है, तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 8938900894। इस पर आप लोग यदि आपको लगता है कि वास्तव में इसकी भ्रष्टाचार की लड़ाई नैतिकतापूर्ण है, यह व्यक्ति ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, वास्तव में उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता है, तो मात्र 1 रुपया गूगल पे के माध्यम से आप लोग अपने हमारे इस अभियान को, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। दीपक उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार और उन पर किए गए झूठे मुकदमों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं। 7 दिन से ज्यादा होने के बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न होने पर दीपक ने उद्यान मंत्री गणेश जोशी से कहा है कि अगर उन पर किसी तरह का कोई दबाव है तो वो भी गुपचुप तरीके से 1 रुपए भेजकर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम का समर्थन कर सकते हैं। अभी मसूरी क्षेत्र में भी फेमस हैं, देहरादून में भी उनको जनता का मसीहा कहा जाता है। आदरणीय उद्यान मंत्री गणेश जोशी से मेरा पहला आग्रह है कि यदि वो किसी दबाव में जांच आदेश नहीं दे पा रहे हों, उन्हें किसी प्रकार का प्रेशर है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको लगता है वास्तव में इसकी जांच होनी चाहिए, वो एक सैनिक पुत्र हैं, सैनिक दृष्टि से उस परिवार से, उस खुद सैनिक हैं, बात करते हैं सैनिकों के लिए, मैं उनसे कहता हूँ कि अब दबाव में हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया कर 1 रुपया हमारी इस मुहिम में देकर चुपके से ये कह दें कि मैं आपका सहयोगी हूँ, मैं किसी दबाव में आपका साथ नहीं दे पा रहा हूँ, हमारी सहानुभूतियाँ, उत्तराखंड की सहानुभूति उनके साथ बरकरार रहेगी। दीपक ने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी इस लड़ाई को लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के लोग भी ये मान रहे हैं कि प्रदेश में पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं भ्रष्टाचार की ही बदौलत है, इसलिए कोई प्रवासी हो या फिर शहरों में रह रहे उत्तराखंडी, सभी पहाड़ की इस पीड़ा के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। अभी तक पूरे उत्तराखंड से इसमें कम से कम 350 लोग 400 लोग जो हैं इसका हिस्सा बन चुके हैं, और लगातार ये हिस्सेदारियां बढ़ती जा रही हैं, और अब मुझे ज़िले से भी, प्रत्येक ज़िले से और उत्तराखंड के जो हमारे प्रवासी भाई हैं उनसे भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो कह रहे हैं कि तुम वास्तव में यार एक जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हो, है ना। उत्तराखंड में वो भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं कि हमारा जब उत्तराखंड, हमने घर में पलायन जब नहीं था, क्यों नहीं था, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया क्योंकि खेतीबाड़ी होती थी, उद्यानिकी में काम होता था, कृषि में काम होता था, काश्तकारों के लिए काम होता था, आज वो सब तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो वास्तविकता में पलायन तो होना ही था, भ्रष्टाचार तो होना ही, जब भ्रष्टाचार की जड़ें इस तरीके से पनप गई तो पूरे पहाड़ खाली हो गए। वे चाहते हैं कि वास्तव में ये पीड़ा को समझा जाए, और उन लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, उनको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सभी ज़िलों से भी सहयोग मिल रहा है, सभी ज़िलों के लोग कह रहे हैं कि हम अपने अपने मंडल ब्लॉक में, तहसीलों में ज्ञापन देंगे, ये गलत हुआ है।
आपको बता दें कि दीपक उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूतों और शपथ पत्र के आधार पर जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग महिला से छेड़छाड़ और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे झूठे आरोपों के तहत उन पर मुकदमा करवाकर उन्हें दबाने और फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या इस प्रकार से यदि कोई किसी महिला को हथियार बनाकर एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा झूठे महिला उत्पीड़न के आरोप लगाए जाएंगे तो कौन पुरुष फिर यहाँ सुरक्षित है? कौन पुरुष कभी किसी महिला की सेवा करने या सिवा उसकी या कहीं सहायता करने के लिए आगे बढ़ेगा? ये तो सभी, ये तो उत्तराखंड में एक नया प्रचलन जारी हो जाएगा। इस प्रचलन के खिलाफ में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उत्तराखंड में उद्यानिकी में उपस्थित होकर वर्तमान निदेशक द्वारा जो लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं उसकी जाँच करने तक मेरा यह आमरण अनशन जारी रहेगा। दीपक करगेती का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, ये उनके पहले दिन की तस्वीर है और ये सातवें दिन की। दीपक कमजोर हो रहे हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा है, बात करते करते मुंह सूख रहा है, लेकिन फिर भी वो बैठे हैं गांधी पार्क की दीवार के सहारे और लड़ रहे हैं प्रदेश को खोखला कर रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों से। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दिव्य बहुगुणा की रिपोर्ट।